अब ये अंधविश्वास क्या है, इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊं। लोग इन विश्वासों के खिलाफ जाने से डरते हैं और इसी डर का फायदा उठाते हैं ढोंगी फ्रॉड बाबा। फर्जी और ढोंगी बाबा का सबसे पहला ढोंगी होता है वो अपने नेचर अपने बिहेव को शिफ्ट करते रहते हैं। जो ढोंगी बाबा होते हैं इनमें एक खास बात ये होती है, बाबा हवा में उड़ते हैं, पानी पर चलते हैं, कई महीनों तक बगैर कुछ खाए पिए कड़कड़ाती ठंड में तपस्या करते हैं। बाबा सपने में अपने मानने वालों को दर्शन देते हैं और उसकी प्रॉब्लम। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई। किसी माँ की गोद सूनी हो गई तो किसी के पति की जान चली गई तो कोई अपनी माँ से दूर हो गया। हॉस्पिटल के बाहर रोते बिलखते लोग अपने फैमिली मेंबर को तलाश रहे हैं। लाशों के ढेर देखकर अब वो खुद अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि आखिर वो सत्संग में गए ही क्यों। अब सत्संग में हुई इस भगदड़ की पूरी कहानी क्या है, ये बाबा कौन है और ये सब कैसे सिर्फ अंधविश्वास है, जैसे कई इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब फैक्ट के साथ आपको बताएंगे। वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी फर्जी बाबाओं के हथकंडे आसानी से समझ में आ जाए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हाथरस कांड को ही समझते हैं। उत्तर प्रदेश हाथरस में मेनली पांच लोग, महेश चंद्र, अनार सिंह, संजू यादव, चंद्रदेव और राम प्रकाश, ये वो पांच लोग हैं जिन्होंने सत्संग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। सत्संग शुरू हुआ जो कि एक खुली जगह पर चल रहा था। ऑर्गेनाइजर की तरफ से सत्संग की परमिशन भी ली गई थी, बट जो नंबर बताया गया था कि इतने लोग आएंगे उससे कहीं ज्यादा लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। अब आता है वो टाइम जो इस भीड़ के लिए मौत लेकर आता है। सत्संग खत्म होता है, वहां पर मौजूद भीड़ एक साथ वहां से निकलना शुरू करती है। जगह पहले से ही कम थी क्योंकि 19 से ज्यादा लोग वहां पर पहुंच गए थे और जो बाहर निकलने का रास्ता था वो भी छोटा था। बाहर निकलने की जल्दी में वहां भगदड़ मच जाती है, लोग एक दूसरे पर गिरने लगते हैं, साथ ही गर्मी और उमस भी उस भीड़ को बेहाल कर रही होती है जिससे हालात पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और एक बड़ा हादसा हो जाता है। ये पहली थ्योरी है जो इस घटना को लेकर बताई जा रही है। इसके अलावा एक और थ्योरी भी सामने आ रही। कहा जा रहा सत्संग खत्म होने के बाद बाबा का काफिला वहां से निकलने लगता है और वहां पर मौजूद भीड़ भी वापस लौटने लगती है। चूंकि बाबा का काफिला निकलना था तो भीड़ के एक बड़े हिस्से को रोक कर रखा गया था और इसी दौरान वहां भगदड़ मच गई, लोग एक दूसरे पर गिरने लगे और दम घुटने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। ये दो थ्योरी है जिसमें हाथरस कांड के पीछे की वजह बताई जा रही, जबकि जिस बाबा के सत्संग में भीड़ जमा हुई वो फरार है। पुलिस को इंटेल मिला कि बाबा मैनपुरी के एक आश्रम में छिपा है। पुलिस ने आश्रम की तलाशी ली लेकिन बाबा वहां पर नहीं मिला। सवाल ये कि आखिर ये बाबा कौन है, कौन है वो जो इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद अपने फॉलोअर्स को मरता छोड़ खुद फरार है। तो उसका नाम है भोले बाबा नारायण साकार विश्वहरी। और जैसा कि जब किसी को किसी भोले भाले इंसान को अपना शिकार बनाना होता है तो वो सबसे पहले अपना नाम, अपनी पहचान, अपनी लाइफ स्टाइल बदलता है। सेम इसी तरह भोले बाबा ने भी अपना नाम बदल दिया, जबकि इनका असली नाम है सूरज पाल। या आमतौर पर बाबा दिखने वाले गेटअप में नहीं होते, जहां लोग भगवा पहनकर माथे पर बड़ा सा तिलक लगाकर प्रवचन देते हैं, बल्कि ये वाइट पैंट शर्ट पहनते हैं, कभी कभी सूट में भी होते हैं। इनकी शादी तो हो चुकी है लेकिन कोई बच्चा नहीं है। बाबा ने अपनी खुद की सिक्योरिटी में एक पूरी फोर्स खड़ी कर रखी है। बाबा ये भी कहते हैं ये पहले 18 साल पुलिस डिपार्टमेंट में थे, कोई कहता है कि बाबा इंटेलिजेंस में थे और 17 साल पहले पुलिस की नौकरी से रिजाइन देकर बाबा बन गए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाबा को डायरेक्ट भगवान के दर्शन हुए जिसके बाद उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और सत्संग करने लगे। धीरे धीरे लाखों लोग बाबा के भक्त बन गए और उनके सत्संग में भारी भीड़ जमा होने लगी। ये वो इमेज है जो लोगों को, बल्कि कह सकते हैं भक्तों को दिखाई और बताई जाती है। लेकिन अब आप बाबा का दूसरा रूप देखें। एक्स डीजीपी विक्रम सिंह कहते हैं काहे बात के बाबा, कौन से बाबा, इनके ऊपर 6 मुकदमे दर्ज हैं जिनमें एक तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी है। मतलब ये भी वही टाइप के बाबा हैं जैसे कुछ जेल में है। साल 2000 में बाबा पर आगरा में हुए एक ड्रामेटिक कांड की वजह से एक केस भी फाइल हुआ था जिसमें बाबा पर आरोप था कि उन्होंने एक मरी हुई लड़की को वापस जिंदा करने का दावा किया है। हालांकि एविडेंस ना होने की वजह से यह केस बंद कर दिया गया। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो भोले बाबा का यह हाथरस इंसिडेंट कोई पहला इंसिडेंट नहीं है, बल्कि इससे पहले साल 2022 में जब कोविड पीरियड चल रहा था तो यूपी के फर्रुखाबाद में भोले बाबा का एक सत्संग ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें सिर्फ 50 लोगों की परमिशन दी गई। लेकिन आपको यह जान के हैरानी होगी कि परमिशन सिर्फ 50 लोगों की थी, जबकि वहां पर लोग पहुंचते हैं
50,000। अब जाहिर सी बात है, जब लिमिट से ज्यादा लोग जमा होंगे और वहां पर उन्हें कंट्रोल करने के लिए बेसिक फैसिलिटी भी नहीं होगी, तो इस तरह के एक्सीडेंट यूं ही होते रहेंगे। कुछ एग्जाम्पल और आपको बताता हूं। आंध्र प्रदेश में साउथ महाकुंभ, जिसे गोदावरी महापुष्करालू कहा जाता है, जिसमें लोग पानी में डुबकी लगाते हैं, उनका मानना है कि इससे पाप धुल जाते हैं। साल 2015 में आंध्र प्रदेश के पुष्करा घाट पर 5,000 लोग जमा हो जाते हैं, जबकि बाहर 1,00,000 लोग लाइन में खड़े होते हैं। तभी वहां पर भगदड़ मच जाती है, लोग एक दूसरे पर गिरने लगते हैं और इस भगदड़ में 29 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 23 तो सिर्फ औरतें होती हैं। साल 2014 में पटना के गांधी मैदान में दशहरे के दिन भगदड़ हुई, जिसमें 32 लोगों की जान चली गई। साल 2013 में मध्य प्रदेश दतिया के एक टेंपल में भी वही भगदड़ हुई और 89 लोगों की जान चली गई। साल 2005 में महाराष्ट्र के देवी मंदिर में एक मेले में भी भगदड़ हुई और 350 लोग मारे गए। मतलब ये जो हाथरस में हुआ है वो पहली बार नहीं हुआ। बस बाकी इंसिडेंट और हाथरस इंसिडेंट में फर्क इतना है कि वहां पर लोग एक बाबा का प्रवचन सुनने के लिए जमा हुए थे, और जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसमें कई अलग अलग रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक रीजन कॉमन होता है और वो है अंधविश्वास। अब ये अंधविश्वास क्या है, इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊं तो वो बिलीफ जो लॉजिक, साइंटिफिक एविडेंस और एक्चुअल एक्सपीरियंस पर बेस्ड नहीं होता, बावजूद इसके लोग उसे शुभ या अशुभ मानते हैं। जैसे बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो लोग इसे अशुभ कहते हैं, तो कोई कहता है कि फला दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए। चाइना में माना जाता है कि लाल कपड़े पहनने वाला बुरी आत्माओं से बचा रहता है। कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में रहने वाले लोग मानते हैं कि अगर खाने की टेबल पर नमक गिर जाए तो वो कोई प्रॉब्लम लेकर आता है, और इससे बचने के लिए वहां के लोग नमक को अपने लेफ्ट शोल्डर पर फेंकते हैं। और भी कई अजीब अजीब चीजें मानी जाती है। लोग इस पे यकीन रखते हैं कि अगर वो इसके अपोजिट काम करेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, कोई बड़ी अनहोनी हो जाएगी, फैमिली में किसी की डेथ हो जाएगी। ये सब अंधविश्वास है, लेकिन लोग इन विश्वासों के खिलाफ जाने से डरते हैं और इसी डर का फायदा उठाते हैं ढोंगी फ्रॉड बाबा। हर चीज को वो धर्म से जोड़ देते हैं, किसी को चक्कर आ जाए तो उसे भूत प्रेत की कहानियां बना देते हैं, कोई मेंटली डिस्टर्ब हो जाए तो उसके बॉडी में आत्माओं का वास बताकर लोगों को डरा दिया जाता है। मैं यहां पर किसी की वीडियो आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एक बात क्लियरली कहूंगा, आज के टाइम पर कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं है जिसमें कुछ अंधभक्त ना हो। बहुत ऐसे लोग हैं जो ढोंगी बाबा, ढोंगी पीर साहब, ढोंगी पादरी बनकर भोले भाले लोगों को ठगते हैं, बिल्कुल ओपन बोलो तो चूना लगाते हैं, और इसके लिए वो खुद को तैयार करते हैं। कुछ पॉइंट्स आपको समझाता हूं। नंबर वन, फर्जी और ढोंगी बाबा का सबसे पहला ढोंगी होता है कि वो अपने नेचर, अपने बिहेव को शिफ्ट करते रहते हैं। उनका जो असली नेचर होता है वो उसके जस्ट अपोजिट एक बनावटी नेचर के साथ खुद को प्रेजेंट करते हैं। आप फर्जी बाबाओं के बॉडी लैंग्वेज पर बारीक नजर डालेंगे तो आपको उनका ढोंग साफ साफ नजर आएगा। लेकिन हमारी सोसाइटी में कुछ भोले भाले और मैक्सिमम गरीब तबके के लोग हैं जो उनके उन बनावटी नेचर को पहचान ही नहीं पाते और उनके जाल में फंस जाते हैं। उनके बनावटी नेचर को देखकर उन्हें लगता है कि बाबा सच में महान है, बाबा जैसा कोई है ही नहीं। एक तरह से वो उन्हें पूजने लगते हैं और ढोंगी बाबा उस भोले भाले इंसान की इस भक्ति का फायदा उठाकर उनका इस्तेमाल करते हैं। नंबर दो, आजकल तो सोशल मीडिया का टाइम है, हर चीज ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रही, और ये जो ढोंगी बाबा लोग हैं ये भी ऑनलाइन की तरफ तेजी से आए। कई बाबा की वीडियो भी आपने जरूर देखी होगी और आपने ये नोटिस करा होगा कि ये जो बाबा जी लोग हैं उनका गेटअप काफी अट्रैक्टिव होता है, जिस सिंहासन पर वो बैठते हैं वो भी आई कैचिंग होता है। इनका ड्रेसिंग स्टाइल, इनके खड़े होने का स्टाइल, चलने का, बैठने का, खाने का तरीका नॉर्मली लोगों से काफी अलग होता है, जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। भोले भाले लोग उनके जाल में उनके गेटअप को देखकर आसानी से फंस जाते हैं। नंबर थ्री, ये जो ढोंगी बाबा होते हैं इनमें एक खास बात यह होती है कि इनके पास बात बनाने, कहानियां बताने और लोगों को बरगलाने का जबरदस्त टैलेंट होता है। लोग बड़ी आसानी से इनकी बात पर यकीन कर लेते हैं। बाबा स्टेज पर बैठकर व्हाट्सएप की फेक स्टोरी को बड़े ही गर्व से अपने भक्तों को सुनाता है। एप्पल का लोगो कैसे आया उसे धर्म से जोड़कर बगैर किसी झिझक के एक मनगढ़ंत कहानी लोगों को बताता है, और सामने बैठे लोग बाबा की उस फर्जी कहानी पर मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं। नंबर चार, फर्जी बाबा एक ऐसा काम करते हैं जो उन्हें बाबा बल्कि बहुत बड़ा बाबा बना देता है। उनके आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बाबा के सम्मान में झुके ही जाते हैं। उनके पास एक एडवर्टाइजिंग टीम भी होती है जो कैमरा लेकर उनकी हर एक्टिविटी रिकॉर्ड करती है और उसे म्यूजिक के साथ
अपलोड किया जाता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बाबा के साथ रहते हैं, उनके साथ ट्रेवल करते हैं, इवेंट लोकेशन पर एक्टिव होते हैं। उनका काम होता है भोली भाली पब्लिक को बाबा का दीवाना बना देना, और इसके लिए वो उन्हें बाबा के चमत्कार की झूठी मनगढ़ंत कहानियां बताते हैं। जैसे बाबा हवा में उड़ते हैं, पानी पर चलते हैं, कई महीनों तक बगैर कुछ खाए पिए कड़कड़ाती ठंड में तपस्या करते हैं। बाबा सपने में अपने मानने वालों को दर्शन देते हैं और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। बट फैक्ट ये है कि जो चमत्कार बताए जाते हैं ये साइकोलॉजिकल मेथड है जो इंसान के माइंड को हिट करता है। जो इंसान लॉजिक समझता है वो तो कट लेता है, लेकिन जिसके माइंड में अंधविश्वास भरा होता है वो बाबा का गुणगान गाना शुरू कर देता है और खुद भी बाबा के चमत्कार की मनगढ़ंत स्टोरी लोगों को सुनाता है। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। अंधविश्वास किस हद तक हावी हो सकता है वो आपको अब समझ में आएगा। आपने वीडियोस देखी होगी जिसमें ढोंगी बाबा क्लेम करते हैं कि उन्होंने उन बीमारियों को ठीक कर दिया जिसका मेडिकल साइंस के थ्रू इलाज पॉसिबल ही नहीं था। कैंसर, ट्यूमर, एड्स जैसी खतरनाक बीमारियों का इलाज बाबा एक मंत्र से दूर कर देते हैं, और प्रूफ के तौर पर वो कुछ लोगों से माइक पर बुलवाते हैं जहां वो ये कहते हैं कि बाबा ने ठीक कर दिया। अब यहां पर एक सवाल आता है कि अगर बाबा इतने चमत्कारी हैं तो वो किसी दिन टाइम निकालकर किसी कैंसर हॉस्पिटल में चले जाएं, वहां पर बहुत से लोग प्रॉब्लम में हैं, दर्द झेल रहे हैं, बाबा उन्हें क्यों नहीं ठीक कर देते। अक्सर मेडिकल सेक्टर में गवर्नमेंट फेल हो जाती है और उसे क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। आखिर वो चमत्कारी बाबा मेडिकल सपोर्ट से गवर्नमेंट की मदद क्यों नहीं करते? इसका सिंपल सा जवाब है, ये सब उनका ढोंग है, उनका पेड प्रमोशन है जो भीड़ में वो अपने ही लोगों से करवाते हैं। और इस फेक प्रमोशन के जाल में फंसते हैं भोले भाले गरीब लोग जो अक्सर पैसे की कमी की वजह से इलाज नहीं करा पाते और वो बाबा के पास पहुंच जाते हैं। अक्सर न्यूज आती है जहां अंधविश्वास की वजह से लोगों की जान जा चुकी है। इसका भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक 7 साल का लड़का जो ब्लड कैंसर का पेशेंट था, पेरेंट्स का मानना था कि अगर उनका बेटा गंगा में डुबकी लगा लेगा तो उसका ब्लड कैंसर ठीक हो जाएगा, कोई चमत्कार हो जाएगा। उसके पेरेंट्स और उसकी एक आंटी लड़के को लेकर हरिद्वार जाती हैं, जहां आंटी लड़के को 15 मिनट तक पानी में डुबाए रखती हैं। पहले तो लड़का चिल्लाता है, लेकिन कुछ देर बाद दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब आप सोचिए, अंधविश्वास इंसान के दिमाग पर कितना हावी हो जाता है कि उसे समझ नहीं आता कि आखिर कैसे कोई 15 मिनट तक पानी में डूबे रह सकता है। एक और एग्जांपल देखिए। 1 जुलाई 2018, दिल्ली के बुराड़ी के एक घर में एक साथ एक पूरी फैमिली के 11 लोगों की डेड बॉडी मिलती है, जिसमें एक नारायण देवी की बॉडी तो फ्लोर पर पड़ी रहती है, बाकी सभी की बॉडी एक ग्रिल से लटक रही होती है। उस घर से पुलिस को एक डायरी मिलती है जिसमें मौत की पूरी स्टोरी, कैसे क्या हुआ, सब कुछ लिखा होता है। और उसी डायरी से यह भी मालूम चलता है कि साल 2007 में उस फैमिली के एक मेंबर भोपाल सिंह की डेथ हो गई थी, और भोपाल सिंह जो कि 2007 में मर चुके थे, बावजूद इसके वो अपने बेटे ललित से बात करते थे, जिसमें वो ललित से कुछ तांत्रिक कामों के लिए कहते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से परिवार का लाभ होगा और ललित को भी इस पर यकीन था। दरअसल वो यकीन नहीं बल्कि अंधविश्वास था। डायरी के अकॉर्डिंग उन्होंने उसे फॉलो किया और अंधविश्वास में पूरी फैमिली खत्म हो गई। इस तरह के सैकड़ों केस गूगल पर आपको मिल जाएंगे जिसमें लोग अंधविश्वास की वजह से मारे जा चुके हैं। और ऐसा भी नहीं है ये सब किसी एक रिलीजन को मानने वाले फॉलो करते हैं, बल्कि जितने भी रिलीजन हैं सभी में ढोंगी बाबा मौजूद हैं जो लोगों को डर दिखाकर अंधविश्वास का बढ़िया बिजनेस चला रहे हैं। अमेरिकन राइटर पर्ल एस बग ने कहा था, अंधविश्वास कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपके फैसले फैक्ट बेस्ड होने चाहिए, ना कि अंधविश्वास पर। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।